सांप ने कहा जब कैद में रहने से फायदा क्या विजेंद्र दादा, और तुम घबराओगे नहीं, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम इस पिटारे को काट सकते हो। तुम जब पिटारे को काटो, इसमें निकलने की जगह बना दो, दोनों बाहर निकल जाएंगे। चूहा बातों में आ गया और चूहा ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा श्रम करके और उसमें निकलने का स्थान बना दिया। और जैसे ही वो निकलने का स्थान बना, सोई भक्तों का सांप ने चूहा को अपना निवाला बना दिया। भगवान कहने लगे कि घबराए नहीं, कि हमारे ऊपर छोड़, हम क्या करेंगे। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परिचिन्न तो चले गए, लेकिन इधर स्वाधीन सच्चिदानंद धाम जो है फिकर के चंगुल में फंस कर रह गए। और भाई भगवान कश्यप मुनि और अद्वि के ग्रस्त आश्रम में 7 वर्ष की अवस्था लेकर माता अद्वि के सामने प्रकट हुए हैं। भादो को महीना रहे, भादो को महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, लगभग दिन का 12 बजा है, शुक्रवार का दिन है। अभिजित मुहूर्त में भगवान अदिति के सामने 7 वर्ष की अवस्था लेकर के प्रकट होते हैं। जिन भगवान की बामन अंगूर की लंबाई है, बोलिए बामन भगवान की। मैया अदिति ने भगवान को लंगोटी पहनाई, पिता कश्यप ने यज्ञोपवी संस्कार किया है। और बताएं, पृथ्वी ने भगवान को आसन दिया है, तुलसी ने भक्तों भजन करने के लिए माला दी है, कुबेर जी ने भगवान को भिक्षा का पात्र दिया है, और भ्रष्ट आश्रम को सफल करने के बाद विजेंद्र दादा श्री भगवान बन गए अपने लक्ष्य की तरफ, जिस कार्य के लिए आए थे। राजा बल को छलवे करे भगवान बने, और ये तो आप लोगों भक्तों जानते ही हो कि हमारे हिंदुस्तान में अगर किसी के साथ में छल करना हो तो 2 भेष बड़े मशहूर हैं, या तो नेता बन जाओ लीडर जनता का, और जाओ जैसे छलो, और अगर घर घर को छलना है फिर अगर कोई बच जाए नेता गिरी तो छलवे में ना आए, तो एक और बड़ा सुंदर भेष है, छल कर लेकर महात्मा बन जाओ। और महात्मा बने बन गया, खेल जिस घर में जाओ वहां बैठ जाओ चलो। तो भगवान नेता तो नहीं बने हैं, महात्मा बन गए, और किस तरीके से बल को छलवे के लिए चल दिए। अरे बन गए पूरे संत, चले भगवंत गमन कर दियो, महात्मा बन गए। और बामन अंगुल को